ओके जी, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट मेकिंग नोट्स। अभी आप लोग सारे कुछ सेल्फ प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, कुछ लोग एकेडमीज को जा रहे होंगे। आइदर वे आप लोगों ने अपने नोट्स प्रिपेयर ज़रूर करने हैं। इफ़ यू आर स्टडीइंग एंड नॉट मेकिंग योर नोट्स, बिलीव यू मी, आप आधा काम कर रहे हैं और आधा नहीं कर रहे। पेपर की रात पे यू आर नेवर गोइंग टू बी एबल टू रिवाइज ऑल द बुक्स। ठीक है जी, तो आपने मस्ट अपने नोट्स बनाए होने चाहिए, जिनसे आप फिर आराम से बैठ के जो चीज़ किताब आपको 4 घंटे में आप रिवाइज कर सकते थे, वो आपको आधे घंटे में रिवाइज हो जाए। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेकिंग नोट्स नाउ इन स्टेप्स। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी योर डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन आप किसी भी प्रोसीजर, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, चूज़ द बुक्स जो कि आपके सिलेबस के साथ इन लाइन हो। ठीक है जी, व्हाट डू वी कॉल अ बुक, गुड बुक। आई नो फॉरेन ऑथर्स एंड ऑल दीज आर वेरी अट्रैक्टिव, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग द मेन आइडिया आउट ऑफ इट, ठीक है। आई आर की आई रिमेंबर आई रेड 4 good books ऑफ इंटरनेशनल ऑथर्स, और पढ़ने के बाद व्हेन इट केम डाउन टू राइटिंग एंड आंसर टू अ क्वेश्चन, आई वॉज अनएबल टू डू इट। तो मुझे जब तक प्रॉपरली अपने तरीके से मैंने नहीं पढ़ा, और एक ऐसे लोकल बुक मैंने उठाई जो कि सारे सिलेबस को, सारे टॉपिक्स को जो FPSC ने दिए थे वो कवर कर रही थी, तब मुझे समझ आई कि उन किताबों में से डूज एंड डोंट्स क्या थे। तो आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि अपने CSS का सिलेबस आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने ऐसी बुक्स का इंतखाब करना है जो कि आपके सिलेबस के साथ उसकी जो कॉन्टेंट्स हैं वो मैच करते हों। ठीक है, आई डोंट थिंक दैट लोकल बुक्स वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट। बहुत सारी लोकल किताबें हैं जो बहुत अच्छी लिखी हुई हैं और आपके सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करती हैं, और उनका आउटपुट जो है वो बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आपको कोई फॉरेन ऑथर की किताब मिलती है जो आपका सिलेबस कवर करती है, तो बी इट, फिर बेशक आप वो भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आपने उस बुक से, अगर आप किसी एकेडमी में जा रहे हैं तो टीचर्स के लेक्चर से, और तीसरे नंबर पे इंटरनेट इज अ सोर्स ओपन फॉर एवरीवन। इन तीनों सोर्सेस से आपने पहले एक फुल डिटेल्ड नोट्स बनाने होंगे। अभी मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, बट वंस आई गेट बैक होम आई विल शो यू कि आपके डिटेल्ड नोट्स किस तरह दिखते हैं। फिर आपने अपने वो डिटेल्ड नोट्स जिसको प्रॉपरली आपने इंट्रो से स्टार्ट किया होगा, और आपकी डिटेल फिगर्स के साथ, आपके फ्लो शीट्स के साथ आपके कॉन्क्लूजन तक जाएगा, मेक श्योर यू लीव नो पेज अनटर्न्ड। मतलब अगर वो नोट्स आपके 20-25 सफ़ों पे भी जाते हैं तो लेट इट बी, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपके डिटेल नोट्स का मतलब है यू हैव ऑल द डेटा इन देयर, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट हैव टू ओपन द बुक, एंड इफ यू हैव दोज नोट्स इन योर हैंड, इट इज ऑल इनकम्पसिंग। ठीक है जी, दैट सेट ऑफ नोट्स मस्ट बी ऑल इनकम्पसिंग। ऐसी कोई चीज बाहर नहीं रह गई जो आपने उस नोट्स में मैंशन ना की हो। तो अब बेसिकली आपके जो वन पेजर्स हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा, दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा दैट यू नीड ऑन योर एग्जाम डे। ठीक है जी, आप आखिरी रात पे बैठे हैं, आप बैठ के सारी किताब रिवाइज नहीं कर सकते एक एक दिन में। कई जो ऑप्शनल्स हैं वो दो दो पेपर्स होते हैं कंपल्सरी, हमने तो कंपल्सरी भी दो दिए, फिर समहाउ इट बिकेम अ डिफरेंट एग्जाम जहाँ पे एक कंपल्सरी एक दिन हो रहा था। तो उसमें यू स्टिल गेट टाइम, लेकिन जब दो पेपर एक दिन पे हो रहे होते हैं तो यू डोंट गेट इनफ टाइम टू रिवाइज। तो अगर आपने ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे तो पेपर की रात आपको बहुत मसला होगा सारी चीज़ें रिवाइज करने में, और बहुत सारा डाटा जो आपने टाइमली पढ़ा होगा, प्रिपेयर किया होगा, आप उसको पेपर की रात रिवाइज ना करने की वजह से अच्छा पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली द प्रो टिप इज यू नीड टू गेट 11 और 12 फाइल्स एज मेनी सब्जेक्ट्स एज यू हैव। ठीक है जी, आई एम सेइंग 12 कंसिडरिंग कि हर एक ने 100 मार्क्स का अलग सब्जेक्ट लिया। तो आपने अपने जितना सब्जेक्ट के नंबर्स हैं उतने नंबर ऑफ फाइल्स खरीद लेनी है। मैंने अपने साथ ये किया होता था, आई यूज टू हैव अ रजिस्टर फॉर माई अकेडमी क्लासेस, वो मैं लेक्चर्स नोट डाउन करती थी। दोज हु आर स्टडिंग ऑन देयर ओन दे कैन गेट रजिस्टर्स और दे कैन गेट द शीट्स। ठीक है, पेपर्स ले लें और अपने शीट्स के ऊपर अपने पहले डिटेल्ड नोट्स जो है वो तैयार करें, और हर फाइल के अंदर अपने डेटा की कलेक्शन स्टार्ट कर दें। वंस यू आर डन डूइंग योर डिटेल्ड नोट्स, देन यू कम डाउन टू योर द हैंड नोट्स, जिनको शॉर्ट नोट्स कहते हैं, और फिर आपने
जो शॉर्ट नोट्स का पूरा बंडल होगा उसको इकट्ठे स्टेपल करना है या उसको इकट्ठे बाइंड कराना है, एंड दैट इज वॉट योर फाइनल, वो आप पेपर की रात पढ़ेंगे. ठीक है जी, तो इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ नोट्स, आई विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चंस. टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.